राजस्थान की रहने वाली सूफिया 33 वर्ष की हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर की दौड़ पूरी करके मानवता और भाईचारे का संदेश देने निकली हैं। वह मंगलवार को उज्जैन पहुंची। उज्जैन से सूफिया ने इंदौर आगे की दौड़ शुरू की। उन्होंने इस दौड़ का नाम रन फॉर होप दिया है। अब तक वह 1800 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर चुकी हैं। इनके साथ सूफिया के पति विकास साइकिल से यात्रा में भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। सूफिया ने जॉब छोड़कर एक साल तक दौड़ का प्रशिक्षण लिया है और इसके बाद 25 अप्रैल को कश्मीर के श्रीनगर से दौड़ शुरू की। 100 दिन में वे कन्याकुमारी तक की दौड़ पूरी करने का टारगेट लेकर चल रही हैं। वे रोज औसत 50 किलोमीटर दौड़ रही हैं। इस दौड़ में वे 12 राज्यों से होकर गुजरेंगी। 7वां राज्य मध्य प्रदेश है। सूफिया मानवता और भाईचारे के लिए दौड़ रही हैं। इस दौड़ का उन्होंने नाम रन फॉर होप दिया है। सूफिया ने बताया कि सब साथ रहें और मानवता सभी में बनी रहे। सूफिया ने दौड़ की प्रेरणा अपने परिवार से ली है। राजस्थान में सूफिया की दौड़ में अकेले देखा के जयपुर के मुख्य वन रक्षक भी सूफिया के साथ दौड़ रहे हैं। सूफिया के दौड़ में वन विभाग रुकने और खाने की व्यवस्था देख रहा है, क्योंकि इस दौड़ में जयपुर के मुख्य वन संरक्षक केसी मीणा भी दौड़ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी भी उनके साथ। यादव के अनुसार सूफिया वन दोपहर में विभाग के रेस्ट हाउस में विश्राम करती हैं और उसके बाद आगे की दौड़ शुरू करती हैं। सूफिया रोज 4 घंटे दौड़ती हैं, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 9 तक दौड़ती हैं। भीषण गर्मी के कारण दिन में विश्राम करती हैं। जैसा कि मुझे पता लगा, सूफिया जी करीब 25 अप्रैल से उन्होंने कश्मीर से शुरू किया था और ये दौड़ते दौड़ते हमारे राजस्थान में आई, तो राजस्थान में हमें भी किसी माध्यम से जानकारी मिली हमारे रनर ग्रुप से, और हमें बड़ा अफसोस हुआ। एक दिन पता लगा, 2 दिन राजस्थान में ये अकेली दौड़ी हैं, एक भी कोई आदमी इनके साथ नहीं था, तो हमें खुद पे शर्म आई कि हमारे राजस्थान की बच्चे होके और राजस्थान में उसके साथ कोई भी नहीं है, और वो भी इतने नेक काम के लिए निकली हैं, नेक इरादे के साथ निकली हैं, और इतनी हिम्मत जो हमारे देश में तो आज तक किसी ने नहीं की, और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।